अबे भैया रुको, कहाँ एक दूसरे के कंधे पे चढ़े हुए जा रहे हो। पूरा मुंह काला करवा लिया, अभी भी तुम लोगों को शर्म नहीं है एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के जा रहे हो। बताओ, इतनी मेहनत करी तुमने और उसके बाद में फाइनल में जाके हार गए। भैया इतना बुरा हारे हो जिसको कोई सोच नहीं सकता था। बताओ, एक टाइम ऐसा था 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे और 6-6 विकेट हाथ में, लेकिन तब भी ना बने। भैया अब हमको पता चल गया है, साउथ अफ्रीका अब कभी नहीं जीत सकती। वर्ल्ड कप का तो सपना भूल जाओ, अब बस वही रोना धोना करोगे कि ऐसे हार गए वैसे हार गए। अब ज़्यादा कुछ मत बोलो भैया, अब निकल लो हमारी नज़रों के सामने से। हमारा एकदम माथा गर्म हो गया है और मुंडी ऊपर से ख़राब हो गई है। अब देखो कोहली रोहित हम पे हंसेंगे तो है ही, क्योंकि हमारी टीम हार गई है। अबे टेम्बा दरोगा, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम अब टीम इंडिया से भिड़ने वाले हो, तो थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि मेरी टीम में एक से एक भरे पड़े हैं भैया, अच्छे से अच्छे प्लेयर, चाहे वो गेंदबाज हो या चाहे वो बैट्समैन हो। अब देखा नहीं 30 गेंद में 30 रन हमारे बॉलर तुमको नहीं बनाने दिए। और रही बात फाइनल की, तो फाइनल तो जीतना ही था। अरे ओडीआई वर्ल्ड कप भी कोई नहीं छीन पाता, वो तो हम लोग आखिरी मैच हार गए थे फाइनल वाला ऑस्ट्रेलिया से, नहीं तो 2023 में ही हम लोग वर्ल्ड कप उठा लेते। लेकिन कोई बात नहीं, अब उठा लिया है, अब जाके उसका बदला पूरा किया है और इस बार तो एक भी मैच भी नहीं हारे। अबे हाँ बे हाँ कोहली भाई, अब मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मन तो कर रहा है ढोल फाड़ दूँ भैया, बजा बजा के ढोल फाड़ दूँ पूरा। अबे तुमने जो पारी खेली है, हमको भरोसा था तुम इतनी मैचों में नहीं चले, लेकिन हमको तुम पे भरोसा था कि तुम बड़े मैच में ज़रूर चलोगे और तुमने वही करा। हम तो तुम्हारे एकदम कायल हो गए, जैसे हमारा विकेट गिरा फिर पंत का गिरा, हमको तो टेंशन हो गई थी, लेकिन तुमने मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद में अक्षर पटेल ने भी बहुत बढ़िया पारी की। अपने सारे जितने भी अपने प्लेयर हैं सब ने बहुत बढ़िया खेला भैया, जो ही तुम लोगों ने जिताया है एकदम दिल खुश हो गया भैया। अब आराम से रिटायरमेंट लेंगे, अब T20 नहीं खेलेंगे भैया, बहुत हो गया T20। अब हमको बस चैंपियन बनना था और हम चैंपियन बन गए।